सीता माता का एक मंदिर है जो पुराने काल में ऐसा बताया गया है कि विश्वकर्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है, तरासा है। यहाँ विकास होना अति आवश्यक है, एक पर्यटक स्थल हो जाता है तो लोगों को रोजगार मिलता। अगर ये चीज़ अगर नालंदा में उपलब्ध होता तो ज़्यादा डेवलप होता। गंगा जल परियोजना हमारे नवादा और नालंदा के बॉर्डर पे उन्होंने स्टार्ट करवाया। आप गए हमारे घर से ही, पानी का पाइप मेरे घर से ही गया है लेकिन हमको नहीं मिल रहा। नालंदा को इतना छोटा चीज़ को, छोटा जो ढेला है उसको भी आपको हमारे लोग तो पहाड़ बना रहे हैं, हर चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, उससे उसके बगल में वहाँ पर तो इसी सुनना चाहिए। तेजस्वी जी को कहना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी पर कुछ ध्यान दिया जाए और इसको कुछ विकसित किया जाए। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी, हम सीतामढ़ी के इलाके में हैं और यह सीतामढ़ी सीता की निर्वासन स्थली के रूप में जाना जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वो उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी को जानते हैं जो कि जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध रही है, लेकिन यह निर्वासन स्थली है या बिहार के नवादा जिले के मिसकौर ब्लॉक में पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अगर यहाँ देखना चाहिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब विकास के नाम पे, पर्यटन के क्षेत्र के नाम पे। तो हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं। बताइए थोड़ा सा अपना परिचय देते। जी, मेरा नाम नागेश कुमार है, अभी मैं वर्तमान में मुखिया हूँ ग्राम पंचायत भारत से। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पे सीतामढ़ी का एक मंदिर है, सीता माता का एक मंदिर है जो पुराने काल में ऐसा बताया गया है कि विश्वकर्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है, तरासा है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बिहार के लगभग जगह पे, इंडिया के लगभग जगह पे घूमा है लेकिन ऐसा पहाड़ देखने को नहीं मिला। और सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, लवकुश का वो अश्मेघ जग का छोड़ा हुआ घोड़ा जिसमें उन्होंने बांधा वो खूंटा, प्लस एक दिया का आकार बनाया हुआ पत्थर में है जो बताया जाता था कि उस दिए को शाम को डेली जलाया जाता था और पूरे सीतामढ़ी हिंजोला रहता था। प्लस ऐसा बहुत सारा है, जो तालाब है जिसमें सीता माता डेली अपने बच्चे का वस्त्र धोया करती थी, बहुत सारा है। अरण्य वन का पूरा हम लोग देखे हैं, वाल्मीकि जी का आश्रम मेरे गांव में भी उपलब्ध है। मैं विकास के नाम पे बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं अभी, तो मैं उनका ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ विकास आज तक नहीं है, नाम बहुत है लेकिन विकास नहीं है। तो सबसे पहले तो कि यहाँ विकास होना अति आवश्यक है, एक पर्यटक स्थल हो जाता ये तो लोगों को रोजगार मिलता। दूसरा बात है कि अगर ये चीज़ अगर नालंदा में उपलब्ध होता तो ज़्यादा डेवलप होता, क्योंकि नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अभी एक एक बॉर्डर पे देखिए, अभी ये गंगा जल परियोजना हमारे नवादा और नालंदा के बॉर्डर पे उन्होंने स्टार्ट करवाया। उससे क्या हुआ कि नवादा का भी नाम हो जाएगा और नालंदा का भी नाम हो जाएगा, ये दोहरी नीति है। आप गए हमारे घर से ही, पानी का पाइप मेरे घर से ही गया है लेकिन हमको नहीं मिल रहा। और मिसकौर खास करके, जो मेरा प्रखंड है मिसकौर, वो तो अति पिछड़ा है, पानी के मामले में तो बिल्कुल ही ख़त्म है, लेयर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्यों पिछड़ रहा है, नवादा पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे, ये सवाल है। देखिए, नवादा पे ध्यान देना या ना देना ये तो उनकी इच्छा है, मैं उनकी इच्छा को नहीं बोल सकता हूँ कुछ, लेकिन इच्छा से हटके अगर सामाजिक काम करेंगे तो उनको ध्यान देना आवश्यक है। ये ध्यान नहीं देना ये उनके पॉलिटिक्स में होगा या उनकी राजनीति में होगा, मैं ये नहीं बोलता। सवाल ये है कि जैसे सब चीज़ तो मुख्यमंत्री नहीं कर सकते ना जी, तो यहाँ पे तो विधायक के लिए, हम हर क्षेत्र के लिए विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनका भी तो जिम्मेवारी बनती है। देखिए, लोगों का एक लोभ है, पर्सनल लोभ बोलिए उनको, लोगों का एक जो MLA बन जाते हैं उनका एक लोभ है। और मेरा मानना है कि अब तक अभी तक हमने देखा है, कम से कम 3-4 विधायक हमने देखा है, हमने सबों से जिक्र किया कि आप सदन में उठाइए, सदन में इस बात को उठाना आवश्यक है, चूँकि हमारा जो पर्यटक स्थल है उसका अगर सदन में नाम जाता है, आपके ही सहयोगी होंगे, आपके ही साथी हैं मंत्री, आप उनसे बुलवा करके इन सब चीज़ों को दिखवाइए और इसका नाम जिक्र कीजिए और सदन में जिक्र किया जाए ताकि ये नाम जो है आगे जा करके और इसका डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ विचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री।
जीवित कर सके। जनता का भी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाता है, उसका कारण है कि जनता सदन में नहीं होती। देखिए सबसे बड़ी बात है कि विधायक जी चुनाव के टाइम नहीं आते हैं घर। अगर हम उनको आज ढूंढ दें कि विधायक जी थोड़ा सा आ जाइए, तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि आप जनता से पूछ सकते हैं, बहुत लोग तो विधायक जी का चेहरा तक नहीं देखे। हम भी चेहरा बहुत कम देखे हैं लेकिन बहुत कम देखे हैं, वो भी जब हम मुखिया बने तभी हम विधायक जी का चेहरा देखें। कई दिग्गज सांसद भी हुए इलाके में, दिग्गज सांसद भी हुए और सांसद महोदय से भी हमने बहुत जिक्र भी किया है। सर मेरा नाम कुमार गौरव हुआ और हम भारत गांव के रहने वाले। एक सवाल है कि सीता का निर्वासन रामायण से कितना हो सकता था, क्योंकि इतना और इसी आस्था के आधार पे सारी चीजें हैं, किसी ने भगवान को देखा नहीं लेकिन इसका विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके चलते इलाका भी बहुत पिछड़ा है, तो इसमें किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? इसका जिम्मेवार सरकार है सर। सबसे पहले कि जो इस रामायण सर्किट से सर हम थोड़ा सा धार्मिक रुचि रखते हैं, बहुत सारा जगह को घूमे हैं, जैसे कि हम नासिक भी गए थे, नासिक में भी सीता माता का बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि लोग यहाँ जो पहुँचे हैं उनको पता है क्या चीज़ है, और जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ कहीं पे नहीं है सर। लेकिन डेवलप के नाम पे कुछ नहीं है, इसका सीधा से जिम्मेवार हम नीतीश सरकार को रखते हैं सर, क्योंकि नीतीश सरकार बहुत दिन रहे हैं और गलती से भी आज तक नहीं जानते हैं कि सीतामढ़ी कौन सा जगह नवादा जिला में, और बहुत सारा एरिया सर मैंने उसको गर्मदुर्गा या सरकारी जमीन बोल सकते हैं जो कि खाली है, बहुत सारा चीज़ यहाँ बन सकता है सर। इस इलाका में इतना ज़्यादा ज़मीन कहीं पे नहीं है, सीतामढ़ी जो इलाका है इतना ज़्यादा ज़मीन जो कि सारा चीज़ डेवलप करके एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। नालंदा को इतना छोटा चीज़ को छोटा जो ढेला है उसको भी अब वो लोग तो पहाड़ बना रहे हैं, हर चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, उसे उसके बगल में वहाँ पर तो इसी सुनना चाहिए। अपने विधायक और सांसद को क्यों करते विधायक उधायक सर, तो हमारे पुराने विधायक एक बार आए थे बहुत पहले, जो हमारे चल बसे आदि से बहुत प्रयास किए थे शुरू में, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। बाकी सब विधायक हैं बस नाम के विधायक हैं, केवल उनका कुर्सी से मतलब है, उनको क्या किस इलाका का डेवलप करना है, क्या मान किस इलाका डेवलप से क्या मान सम्मान उनको होता है, ये उनको समझ नहीं है सर। सांसद के बारे में सांसद का भी मैटर है, इस ये जो मैटर जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी सांसद महोदय ही आते और मंदिर को देखते हैं तो पूरा विश्वास था हम लोग को कम से कम 10-20 लाख का ही सहयोग होता और कुछ डेवलप होता, तो उनका एक यहाँ से उनका नाम होता और इसका एक अलग मान सम्मान उनका होता है। यहाँ से कोई दिलचस्पी ही नहीं लोगों को, कोई कुछ नहीं, केवल कुर्सी बचाना, बस कुर्सी बचाना केवल, बाकी इस पे कुछ नहीं। जनता भी तो जिम्मेवार है, जनता तो केवल जनता बिना देख के वोट देता है, दे जात पात ये बात सही है सर। चलिए क्या नाम हुआ आप बताइए? जी मेरा नाम सुशील कुमार हुआ, भारत हुआ। थोड़ा एक ही सवाल है मेरा, सीतामढ़ी का इलाका पिछड़ा क्यों? पिछड़ा तो बहुत है सर, मैंने इस सब के बारे में कुछ सोचता ही नहीं कि सीतामढ़ी का, बस अपना पेट के बारे में खाली सोचते हैं कि कैसे मेरा पेट चलते रहे और मेरा कुर्सी बचते रहे। देखिए अब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुए हैं, तो मैं मीडिया के माध्यम से तेजस्वी जी को कहना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी पर कुछ ध्यान दिया जाए और इसको कुछ विकसित किया जाए।